नमस्कार। बेबाक बात में आज बात लगातार अपना जनाधार खोते जा रहे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की। इस समय दिग्विजय सिंह अपने खत्म होते जनाधार को बचाने के लिए रोज नए राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। वे खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं और ऐसे ट्वीट करते हैं ताकि उनकी पहले जैसी पूछपरख होती रहे। सन 2000 के बाद से दिग्विजय सिंह का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। लोगों में तब से उनके प्रति जो आक्रोश पैदा हुआ है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। एक जमाने में जिस मध्य प्रदेश और भोपाल में उनकी तूती बोलती थी, वहीं अब वो बुरी तरह से चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में रही सही कसर वे मुस्लिम परस्त राजनीति करके कर देते हैं। हाल ही में जब उज्जैन में कुछ देश विरोधी तत्वों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो सरकार चौकन्ना हो गई और ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल एक्शन लिया। इस समय ये जरूरी है कि इन पाकिस्तान परस्त लोगों को कड़ाई से सबक सिखाया जाए। वैसे भी ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुझे लगता था अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा होने के कसीदे पढ़ने वाली कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इस देश विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़ा शंखनाद करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मुस्लिम लड़के काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मेरा दिल कर रहा है कि इस कड़की के दौर में मैं दिग्विजय सिंह को एक श्रवण यंत्र भेंट कर दूं। दिग्विजय सिंह की इस बात से लोगों में अब गुस्सा है, नाराजगी है। आम लोगों के साथ कई नेताओं ने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय सिंह की मुस्लिम परस्त राजनीति दिन ब दिन कांग्रेस का भट्टा बैठा रही है। भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने तो दिग्विजय सिंह पर सीधा आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह का समर्थन हमेशा आतंकवादियों के साथ रहा है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का हमेशा से समर्थन आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वालों के साथ, आतंकवाद फैलाने वालों के साथ और आतंकवादियों के साथ रहा है। जाकिर नायक शांति का दूत, ओसामा जी, हाफिज साहब, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने बर्बरता की है, वहां के नागरिकों को मारा है, क्या दिग्विजय सिंह का एक भी ट्वीट सामने आया? जब देश विरोधी नारे लगे तो कांग्रेस पार्टी के यही दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी उनके समर्थन में खड़े हुए। जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रही, सो नहीं पाई। आज एक ही कौम उसी कौम के लोगों को मारने का काम कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, पर दिग्विजय सिंह का एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। ये स्पष्ट दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, ये किन के साथ खड़े हुए हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम ये इस प्रकार की चेष्टा ना करें। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, यहां पर इस प्रकार की गतिविधि करने वालों को पकड़ा भी जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ा भी जाएगा और सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अपना नाम बदलता है और नाम बदल के महिला के साथ छलावा करता है, उसे भी जेल भेजा जाएगा। तो कृपया करके कांग्रेस पार्टी अपनी टांग मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में ना अड़ाए। कानून व्यवस्था अपने हिसाब से चलेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और निश्चित ही इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजेगी। उज्जैन पहले भी बहुत सेंसिटिव रहा है। दिग्विजय सिंह के शासन काल में ही उज्जैन क्या पूरे मालवा इलाके में सिमी जैसे आतंकियों के संगठन ने अपनी पैठ बनाई थी। झिरन्या के हथियार कांड लोग भले ही भूल गए हों, लेकिन याद होगा कैसे कुएं से AK-47 निकली थी। लेकिन ये सच है कि दिग्विजय सिंह के शासन काल में ही मध्य प्रदेश में आतंकवादियों का आना जाना लगा रहता था। तब मध्य प्रदेश आतंकवादियों के लिए आरामगाह बना हुआ था। दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में ही भोपाल में पोस्टर लगे थे कि सावधान, महमूद गजनवी आ रहा है। आतंकवादियों से अंडरवर्ल्ड तक सबकी गतिविधियां मध्य प्रदेश में थी। ऐसे तमाम कारण रहे जिसकी वजह से लोगों ने दिग्विजय सिंह से मध्य प्रदेश की सत्ता की बागडोर छीन ली थी। इस बार उज्जैन में जब पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले जिहादी मानसिकता के लोग सामने आए तो साधु संतों के साथ आम लोगों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिग्विजय सिंह को ये सारी हकीकतें क्यों नजर नहीं आती? उज्जैन के लोगों के साथ साधु संतों ने भी पाक परस्तों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें सबक सिखाने की बात कही। भारत
19 अगस्त को मुहर्रम के दिन कुछ देश के गद्दारों ने देश के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के नारे लगाए, और विशेष प्रजाति के धर्मगुरु भी साथ थे। हम शासन प्रशासन से, शिवराज सरकार से ये मांग करते हैं उन पर रासुका की के तहत कार्रवाई की जाए, उनके मकान तोड़े जाए और उनको तुरंत जेल के अंदर किया जाए, उनको कभी भी देशद्रोह का मुकदमा करके फांसी पे लटकाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के बेतुके बयान के खिलाफ अब जन आक्रोश के हालात बन गए। अब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कथित तौर पर खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली जमात के नेता दिग्विजय सिंह सिर्फ राजनीति के चक्कर में कुछ तो भी बोलते रहते हैं। एक समय था दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का धीर गंभीर नेता माना जाता था, लेकिन अब वे सिर्फ मजाक के पात्र बन के रह जाते हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो दिग्विजय सिंह को दूसरा जिन्ना करार दिया है। दिग्विजय सिंह जी, आपको मुस्लिम तुष्टिकरण में हमने पहले से ही तय कर रखा है कि सेकंड जिन्ना है हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनको आतंकवादियों को जी कहने में गर्व महसूस होता है, और ये वही दिग्विजय सिंह है जो हिंदुओं के भगवा रंग को जो साधु सन्यासी पहनते हैं उसे आतंकवाद कहते हैं, जो बजरंगबली को सिंदूर चढ़ता है उसको आतंकवादी कहते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधे तो हो गए थे आप, लेकिन अब बहरे भी हो गए। आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई नहीं दे रहे? क्या हिंदुस्तान की, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस किसी निर्दोष को सताती है? और अगर सताती है तो 10 साल आप भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, आपने 10 साल में कितने निर्दोषों को जेल में भेजा? अरे मध्य प्रदेश संविधान के दायरे में चलता है, ये देश बाबा साहब के संविधान के दायरे में चलता है। लेकिन इतना कान खोल कर सुन लो दिग्विजय सिंह जी, हिंदुस्तान का जिंदाबाद के नारे जब कोई लगाएगा तो उससे गले मिलने कर, उसको दुआएं देकर, उसको साथ लेकर चलने का वादा हम करते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो ये कान खोल कर सुन लीजिए दिग्विजय सिंह जी, आपके पले और आपके चाहने वाले मुल्ला और मौलवी भी कान खोल कर सुन लें। इस देश की धरती पर हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बर्दाश्त है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो कानून का सिकंजा चलेगा, कानून के दायरे में आओगे, जेल के सीखों के अंदर जाओगे और कोई भी केस वापिस नहीं होगा। ये दिग्विजय सिंह का मुस्लिम प्रेमी है कि वे सच को झूठ साबित करना चाहते हैं। कई बार पहले भी दिग्विजय सिंह ऐसे मामलों में जमकर अपनी बद्ध पिटवा चुके हैं। कई मौकों पर देखा गया है कि सच और देश से जुड़े मामलों पर भी दिग्विजय सिंह अपनी टांग बेवजह अड़ाकर सवाल खड़े करते रहे। अब दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक बिसात पर अपना वजन बढ़ाने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की चाल चली है तो उनको माकूल जवाब भी मिल रहे हैं। एमपी के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान जाएं, मैं उन्हें पूरा सहयोग करूंगा। दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ तुष्टिकरण के लिए इस तरह के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। आपने आज तक विश्व के अंदर, भारत नहीं, कभी कोई काजी साहब जिंदाबाद के नारा सुना? लेकिन दिग्विजय सिंह ने सुन लिया। अद्भुत श्रवण क्षमता है उनकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये जो तान है इससे तो कहीं मेल खा सकता है, काजी साहब से पाकिस्तान का कैसे वो मिक्सअप होगा, कैसे रिमिक्स होगा? लेकिन ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ही कर सकते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी है। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो लोग पाकिस्तान की जिंदाबाद कर रहे हैं उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें पाकिस्तान ले जाए। जो मेरे सहयोग की आवश्यकता हो बताएं, मैं करूंगा। एक दौर था जब आम लोग दिग्विजय सिंह को उम्मीद भरी नजरों से देखते थे, लेकिन अब आम लोग उन्हें हिकारत की नजरों से देखते हैं। बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात देश की है। इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता के लिए जरूरी है कि वे कम से कम सच के साथ खड़े हों और फिजूल के सियापे से बचें। अगर दिग्विजय सिंह ऐसा कर पाते हैं तो वे हाशिए पर जाने से जरूर बच जाएंगे। नमस्कार। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।